हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे हैं। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बेसन वाली भिंडी बनाने, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करें। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने 500 ग्राम के लिए के लगभग भिंडी लिया था, उसे धुल करके अच्छे से मैंने पोंछ कर इसे अच्छे से चार भागों में कट कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी कट करें जिस तरह से मैंने कट किए हैं। पूरी सूखी हुई भिंडी होनी चाहिए, उसमें पानी थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। एक से दो प्याज को मैंने कट कर लिए। इस तरह से आप भी कट कर लें। अदरक लहसुन का एक पेस्ट है, मैंने कटर की सहायता से ग्रेटर की सहायता से इसे कद्दूकस कर लिए हैं। इधर आप देख सकते हैं सूखे कुछ मसाले हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने सरसों लिए हैं आधी चम्मच के लगभग, सौंफ लिए हैं, जीरा है, एक मिर्ची मैंने लिए हैं और सूखे कुछ मसाले लगेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग पहले बेसन को रोस्ट करते हैं। इस तरह से सूखे ही रोस्ट करेंगे, इसमें तेल सरसों तेल नहीं डालेंगे। अब चलिए इसे हम लोग इस तरह से मिलाते चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बेसन को अच्छे से भून लिया है। इसकी कलर भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब गैस आग बंद कर दे और इसे ठंडा कर होने दे। तब तक मैं इधर भिंडी को भूजने जा रही हूँ, फ्राई करने जा रही हूँ। जो आप देख सकते हैं तेल मैंने गैस ऑन कर दिए थे, इसलिए तेल गर्म हो चुके हैं। अब आप इसमें सूखे जो मैंने जीरा सौंफ ये लिए थे, इन सबको डाल दें। ध्यान रखिए जले नहीं। अभी थोड़ी सी तेल और गर्म होगी, उसके बाद मैं इसमें आप देखिए इस तरह से आप इसे चलाते रहें कि जले नहीं। आप देख सकते हैं ये तड़कने लगे हैं, हल्के से तड़कने लगेंगे। तो मैं इसमें जो ग्रेट किया हुआ है अदरक लहसुन ये मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए अभी तड़कने लगे हैं, इसके प्रोसेस में आप ही डालें। अच्छे से सबको भूने, जब ये हल्का सा भून जाएगा तो मैं इसमें ऑनियन डालूँगी जो मैंने कट करके रखे हैं। देख सकते हैं हल्के से भूने, तो मैं इसमें डाल कर आप लोग को बताती हूँ। देखिए इस तरह से गुलाबी होने लग गया। उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी और उसे भी अच्छे से भूनूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी और भिंडी को भी अच्छे से आप चलाते हुए इसे अच्छे से भून लें। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आप ही भूनें। इधर आप देख सकते हैं मैंने मसाले लिए हैं, एक चम्मच के लगभग सब्जी मसाला, आधी चम्मच मैंने गरम मसाले लिए, मिर्ची पाउडर लिए, हल्दी पाउडर लिए और थोड़ा सा मैं चाट मसाला जब डालूँगी तब मैं इसका रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने भिंडी को अच्छे से भून लिया। अब इसमें जो मैंने रोस्ट बेसन किया था उसे आप डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद में मैं इसमें मसाले भी ऐड कर डालूँगी। आप देख सकते हैं बेसन और भिंडी अच्छे से भून चुके हैं। अब आप इसमें सारे मसाले ऐड कर लें, गरम मसाला, सब्जी मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी, सारे मसाले को इस तरह से आप ऐड करते जाएं। मैंने सबकी रेसिपी आपको बताई है। चाट मसाला भी ऐड कर ले जिससे स्वाद और टेस्टी हो जाएगा। आप चाहे तो खट्टा पसंद करते हो तो आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। नमक एक चम्मच के लगभग सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसे आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि ये हल्का जलने लग रहा है आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े सूखे लग रहे हैं। हल्के से पकाने के लिए मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा। आप भी इसी तरह देखिए मैंने कितने सारे पानी लिए हैं। इस तरह से आप भी ले और इसमें हल्का सा ऐड कर ले, इसे अच्छे से पक जाए। अब इसे आप ढक कर, आप इसको इस तरह से ढक करके इसे अब आप अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद में मैं परोस करके आप लोग से, आप देख सकते हैं ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है, बेसन और भिंडी की सूखी सब्जी। आप लोग भी इसे बनाएं और अपने घर पर इंजॉय करें। और कैसा लगा वीडियो मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।